दोस्तों, यदि आपके घर में भी हिबिस्कस या गुड़हल का प्लांट है तो ये फर्टिलाइजर आप यदि बनाकर अपने पौधे में डालेंगे तो आपके पौधे में भी ढेर सारी कलियां और फूल खिले नजर आएंगे। दोस्तों, मैं हूं अर्चना और स्वागत है आपका हमारी चैनल अर्चनाज गार्डन में। दोस्तों, आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है और गुड़हल के फ्लावरिंग का मौसम भी चल रहा है, तो जिनके गुलहर के पौधे में फूल ना आने की समस्या हो या कलियां गिर जाने की समस्या हो, तो उनके लिए मैं एक ऐसा फर्टिलाइजर लेकर आई हूं जिसको डालने से आपके पौधे में ढेरों फूल और कलियां निकल आएंगी और आपका पौधा लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा। आप देख सकते हैं हमारे इस छोटे से पौधे में कितनी सारी कलियां और फूल आ ही रहे हैं। छोटी छोटी कलियां निकल रही है और फूल खिलते जा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे गुलहर के पौधे के लिए कुछ टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ और मैं वो फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसको कि मैंने अपने पौधे पे यूज किया और जिससे हमारे पौधे में लगातार फ्लावरिंग होती ही जा रही है। तो आपको करना क्या है कि 15 से 20 दिन के अंदर आपको एक बार अपने पौधे की गुड़ाई कर लेनी है। दोस्तों, पौधे की गुड़ाई करने से इसकी मिट्टी हल्की हो जाती है और पौधे के रूट्स में ऑक्सीजन पहुँचने लगता है। दोस्तों, हिबिस्कस एक फुल सनलाइट का पौधा है। इसको आप फुल सनलाइट में रखेंगे तो इसमें हैवी फ्लावरिंग होगी। आपको करना क्या है कि इसको सुबह और शाम की धूप जहाँ पे आए वहीं पे रखना है। अभी जून का महीना चल रहा है तो दोपहर की जो गर्मी होती है तो इसमें इस पौधे को नहीं रखना है, आप इसको शेड में रख सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे को पानी पसंद है लेकिन इसकी मिट्टी सौगी नहीं रहनी चाहिए। इसकी मिट्टी हमेशा, जैसा कि आप मेरा देख रहे हैं, ये मॉइस्ट मिट्टी है, तो इसकी मिट्टी भी हमेशा इसी तरह से नम रहनी चाहिए। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं अपने पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करती हूँ जिससे कि हमारे पूरे पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। तो मैं जो इस पौधे में यूज करने वाली हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या यूज करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इस डब्बे में बर्मी कंपोस्ट का लीकर बनाकर रखा हुआ है। गुलहर के पौधे को नाइट्रोजन युक्त खाद बहुत पसंद है तो इसमें मैं बर्मी कंपोस्ट का लीकर डालूंगी। तो ये बर्मी कंपोस्ट का लीकर है जो मैं अपनी 12 इंच के गमले में 100 ml डालने वाली हूँ। तो ये बर्मी कंपोस्ट का लीकर गुलहर के पौधे को बहुत ही पसंद होता है, तो गर्मी के दिनों में मैं अपने सभी पौधे में लिक्विड फर्टिलाइज़र ही ज़्यादातर यूज करती हूँ। दूसरी चीज़ जो गुलहर के पौधे में मैं यूज करने वाली हूँ वो बनाना पील फर्टिलाइज़र है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको मैंने 2 महीने पहले ही इस बोतल में बनाना के छिलके को डालकर रख दिया था और उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डालकर रख दिया था, जिससे ये हमारा बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। तो बनाना पील फर्टिलाइज़र भी मुझे अपने पौधे में डालने के लिए 50 ml लेना है। दोस्तों, केले के छिलके में पोटेशियम की बहुत ही ज़्यादा मात्रा होती है तो इससे पौधे में फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो गर्मी के दिनों में ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज करना चाहिए क्योंकि केमिकल से पौधे जलने का खतरा रहता है। दोस्तों, एक पोटास ये भी है तो आप इसका भी यूज अपने पौधे में कर सकते हैं। इसको आपको करना क्या है कि आपको 0.5 लीटर पानी ले लेना है और इसका आधा भाग आपको पानी में मिलाकर अपने पौधे में दे देना है और आधा भाग को इस तरह से इसको मिट्टी में डाल देना है। अभी मैंने ये दिखाने के लिए डाला है लेकिन मैं अपने पौधे में ज़्यादातर बनाना पील फर्टिलाइज़र ही यूज करती हूँ गर्मी के दिनों में। दोस्तों, गुड़हल के पौधे को एसिटिक मिट्टी पसंद है तो मिट्टी को एसिटिक बनाने के लिए करना क्या है कि ये 2 रुपये का एक पाउच है कॉफ़ी का, इसमें 1 चम्मच के लगभग कॉफ़ी रहता है, तो मैं इसको घोलकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये जो हमारी कॉफ़ी पाउडर है तो इसमें थोड़ी हवा लग चुकी है जिसके कारण यह जम गई है, तो इसका भी मैं अपने पौधे में यूज कर लूँगी, तो इसको बर्बाद नहीं जाने दूँगी। तो आप देख सकते हैं बनाना पील फर्टिलाइज़र में मैंने ये कॉफ़ी पाउडर मिला दिया है तो इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया है। अब मैं इसमें बर्मी कंपोस्ट का लीकर भी मिला देती हूँ। अब तीनों को मैंने इसमें मिला दिया है तो एक चीज़ जो मैं इसमें और मिलाने वाली हूँ तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें क्या मिला रही हूँ। दोस्तों, मिट्टी को एसिटिक बनाने के लिए यदि आपके पास कॉफ़ी पाउडर उपलब्ध नहीं हो तो आपको करना क्या है कि यूज की हुई चाय की पत्ती आपको धोकर सुखा लेना है, उससे दूध वगैरह के जो तत्व हैं सभी निकालकर सुखाकर आपको मिक्सी में पीसकर आप रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। अपने 12 इंच के गमले में
दो चम्मच लेकर आपको ये चाय की पत्ती को डाल देना है। मैंने अभी इसमें कॉफ़ी पाउडर मिलाने के लिए रखा हुआ है, तो इसलिए मैं चाय की पत्ती इसमें भी नहीं डालूंगी। दोस्तों, गुड़हल के पौधे में फंगस की बहुत समस्या होती है, तो फंगस के लिए अपने फर्टिलाइज़र में थोड़ा सा फंजिसाइड पाउडर मिला रही हूँ, 1/4 चम्मच के लगभग। अब सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और अपने गुड़हल के पौधे में इसका यूज आप कर सकते हैं। इसका यूज सभी प्रकार के फूल वाले पौधे में किया जा सकता है। तो मैं इसको अपने पौधे में डालकर आपको दिखाती हूँ। तो इसके लिए मुझे करना क्या है, इतना मेरा ये फर्टिलाइज़र बना हुआ है 200 ml के लगभग, तो मैं इसमें इतना ही 200 ml पानी मिला लेती हूँ और अब अपने पौधे में यूज करके आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।